ओए पापा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और सलमान और शाहरुख भाई को भी पहले से बैठा रखा है। क्या कोई पार्टी चल रही है? वैसे आज ठंडी बहुत है, तुमने आग जला के अच्छा किया। माँ कसम सन्नी बेटा, मैंने तुम्हारी गड़बड़ टू, मेरा मतलब है गदर टू देखी। क्या नल उखाड़ते हो आप, देख कर मजा आ गया। लेकिन बेटा दोबारा ऐसे किसी का नल नहीं उखाड़ना, घर का नल खराब भी हो जाता है तो कितनी दिक्कत होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये बहुत पुरानी बात है, एक बार घर का नल खराब हो गया था तो अपने साथ गंदे नाले में कई बार नहलाया तुझको। और तुम्हारी माँ, उसकी मत पूछो, वो तो पूरे एक साल तक नहीं नहाई थी। ओह माय गॉड। माँ कसम, ये मुंबई है, अगर यहाँ नल खराब हो जाता है तो लैट्रिन धोने तक का पानी नहीं मिलता। और हमारा नल तो पूरे 2 साल खराब रहा था, भगवान किसी के घर का नल खराब ना करे। धर्मा चाचा, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है, लेकिन घबराओ नहीं, हम तुम्हारा नल नहीं उखाड़ेंगे और ना ही तुम्हारा नल खराब होने देंगे। मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे अपने घर की नल की बहुत चिंता है। तुम्हारी माँ और सलमान की माँ डेली हमारे घर में नल से पानी भरने आती है। मुझे डर है अगर हमारे घर का नल दोबारा खराब हो गया तो मुझे और सन्नी को दोबारा गंदे नाले में नहाना पड़ेगा। और तुम तो जानती हो अब ठंड कितनी है, अगर तुम्हारी जगह कोई और हमारे घर के नलके से पानी भरने आता तो मैं उस कुत्ते का खून पी जाता। धर्मा चाचा, कुछ और दिन की बात है, अब तो मेरी जवान मूवी के पैसे आने लगे हैं, अब तो हम अपने घर में ही नल लगवा लेंगे। जब मैं एक बार कमेंटमेंट कर लेता हूँ किसी की नहीं सुनता, तुम्हारी कैसे सुनूंगा धर्मा चाचा। मैंने टाइगर बनाई, फिर टाइगर 2 बनाई, फिर टाइगर 3 बनाई, अब टाइगर 4 बनाऊंगा। कल गर्लफ्रेंड बोली शादी कब करोगे, मैंने कहा घर वाले नहीं मानते। उसने कहा तुम्हारे घर में कौन कौन है, मैंने कहा एक बीबी और 2 बच्चे। माँ कसम, गर्लफ्रेंड तो हमारी भी थी और हमें शादी करनी पड़ गई थी, वो आज तक हमारी छाती पर मूंग दल रही है। What? ओए पापा, मम्मी को बताऊंगा तो लोगों के सामने उसको बदनाम करता है। माँ कसम बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था और बाहर की बातें घर नहीं बताते। mm-hmm. ओए पापा, तुम तो डर गए, मैं भी तो मजाक कर रहा था।